नमस्कार। आज की टॉपिक है क्रैम्प, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऐंठन, अकड़न। ठीक है, ये अचानक सा किसी नो एक्टिविटी के कारण हो जाता है, बैठे बैठे या लेटे लेटे हो जाता है। तो ये क्रैम्प होता क्या है, चलिए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ, डिटेल में। मान के चलो कि आपने जिम में एंट्री मार दिया, ओके, किसी हेल्थ क्लब में, जिम में या रनिंग के पहले भी क्रैम्प आता है, क्योंकि हम वार्म अप नहीं करते, ठीक है ना, ना स्ट्रेच करते। ठीक है, तो आपने जिम में एंट्री कर लिया, राइट, आपने कर दिया शुरू, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, राइट, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दिया और ठीक 10 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में आती है क्रैम्प। ठीक है, ऐसा बहुत सारे केस आजकल आया देखने को मिल रहा है, खास करके सर्दियों में क्रैम्प की जो मैटर है, केस है, अक्सर सर्दियों में हो रहा है। वजह क्या है, हमारी जो बॉडी है सुन्न रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है, एक्टिविटी नहीं होता है। हम बिस्तर से आए क्योंकि हमारा बॉडी ठंडा है, गर्म नहीं है, और जिम में आके हम वर्कआउट शुरू कर दिया, तो फिर 10 मिनट के बाद वर्कआउट के बाद सुनने को मिलता है, सर हमारी बिल्कुल इस जगह पे दर्द हो रहा है, कोई कहता है कमर पे, कोई कहता है नेक में। वजह इसका एक मुख्य वजह है कि आपने जिम में आया और वर्कआउट शुरू कर दिया। तो कोशिश करें कि जिम में आने के बाद अच्छी तरीका से स्ट्रेच कर ले बॉडी को, वार्म अप कर ले, फिर शुरू करें एक्सरसाइज, जो आपका जो मेन एक्सरसाइज है, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट वगैरह जो भी हो। तो इससे क्या होगा, आप जो इंजरी हो रही हो उससे आप बचोगे। तो स्ट्रेच में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, ओके। दो प्रकार के स्ट्रेच है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। तो चलिए मैं आपको अपर बॉडी करके दिखाता हूँ, राइट, शुरू से, ओके। ये अब मैंने स्ट्रेच शुरू कर दिया जिम में आने के बाद, राइट, हाथ को हिलाते हुए, दोनों हाथों को स्विंग करना है स्लो, राइट। अब हम इसे करेंगे फास्ट, ओके, अब करेंगे पीछे, ओके, ये राइट, 1 2 3 4 7 8 11 12, ठीक है, इसका भी 3 सेट, 12 12 का। हर एक्सरसाइज का जो आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच की जो पोस्चर है, 3 सेट मारेंगे, रिपीटेशन 10 से 12 रहेगा, राइट। अपर बॉडी चल रहा है, अभी अपर बॉडी स्ट्रेच हो रही है, 1 2 11 12, इसका भी 3 सेट, 10 से 12 रिपीटेशन रहेगा, राइट। अब मारेंगे पीछे, ओके, 1 2 11 12, राइट। दोनों पैर को जॉइंट करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, हमारे जो पैर की टो है उसको टच करना है अपने हैंड से, फिंगर से, 1 2 3 12, राइट, ओके। इस जगह पे हम हैंड को, दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे कमर पे, और बिल्कुल इस तरह, राइट, बिल्कुल रिलैक्स फील होगा आपको, ओके, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल, ये राइट, ये था हमारा अपर बॉडी। अब करेंगे लोअर बॉडी, राइट, ये पहले राइट पैर, अगेन लेफ्ट पैर, राइट, ये हमारा जो है लोअर बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, लेग चेंज, इसका भी 10 से 12 रिपीटेशन रहेगा, 3 सेट मारेंगे। अगर आपके पास जिम में ये मशीन है, राउंडिंग मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी जो है काउंटिंग करेंगे 100 बार 150 200 बार, ठीक है, 200 बार काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 11 12 100 200, ठीक है, 100 हो गया, ऐसे छोड़ देंगे आप। अगर आपके पास, चलो ये तो था स्ट्रेच, हमने स्ट्रेच कर लिया अपर बॉडी लोअर बॉडी, अब करेंगे वार्म अप। वार्म अप में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। साइड जंप, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड जंप, 1 2 3 4 11 12, इसके 3 सेट, राइट, हाई नहीं, ऊंचा जंप, 11 12 13 14, ठीक है, इसकी भी 3 सेट, राइट। अगर आपके पास स्किपिंग रोप है, जिम में आपके पास स्किपिंग रोप है, तो आप समय को बचाते हुए वो दोनों वार्म अप नहीं करके डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किपिंग रोप है तो, ओके, राइट, इसके भी 15 15 का 3 सेट करेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रेच और वार्म अप। अगर आप स्ट्रेच और वार्म अप बढ़िया से कर रहे हो तो आप इंजरी होने से बचोगे, क्रैम्प होने से बचोगे। और क्रैम्प होने का एक मेन कारण ये है, लीड, हेडफोन। अक्सर क्या करते हैं हमारे जो छोटे भाई है,
जिम में इनका यूज कर रहे हैं आजकल, गाना सुन रहे हैं, वो गाना में लीन हो जाते हैं। उसे पता नहीं है कि जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ हैंड से रिपीटेशन कितना लगाना है, ठीक है ना। अब ये देख लो, ये डम्बल रो बैक के लिए अगर हम मार रहे हैं, चलो मैंने इससे मार लिया, ठीक है, राइट 15, ओके, और लेफ्ट राइट हैंड से मैंने मारा 10, एक जगह 15 और एक जगह 10, तो हमारी काउंटिंग मिस ही हो गई, ठीक है, अनकाउंटिंग हो गई गिनती में, उलट पलट। तो इससे क्या है, एक हाथ से मैंने ज़्यादा मार लिया, एक हाथ से कम मार लिया, तो इससे भी इंजरी होने के चांस है, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में ही आ गया गाना, तो इसे हम बाद में सुनेंगे। और हमेशा याद रखिए एक चीज़, वर्कआउट के दौरान मसल्स एंड माइंड कनेक्शन और वर्कआउट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इसके बीच में कुछ तीसरा आ गया, गाना, सॉन्ग, लीड, फोन, तो इससे क्या है, हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उस समय हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो रिपीटेशन में, काउंटिंग में गलती हो जाती है, तो इसी वजह से भी हमारी जो है इंजरी हो सकती है, क्रेम्प आ सकता है। तो आप जान गए कि हमारा क्रेम्प क्यों होता है, क्रेम्प से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। और लीड का अवॉइड करेंगे, आप कोशिश करेंगे एक डेढ़ घंटा तक गाना को नहीं सुनेंगे, मसल से माइंड कनेक्शन रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो क्रेम की जो प्रॉब्लम हो रही है सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो मैंने बता दिया इसके लिए आपको क्या सेफ्टी करना है। आई होप वीडियो पसंद आया, इसके लिए थैंक यू।